अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इनवाइटेड हैं एक दावत पे, तो चलें उसकी तैयारी करते हैं। बच्चों के साथ कहीं पे भी जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो पहले मेरी एक बेटी थी, अब दो हो गए, तो इसलिए और ज़्यादा टफ लगता है उनके साथ कहीं पे भी जाने की तैयारी करना। तो मैं खुद तैयार हो जाती हूँ पहले, तो बाद में फिर अपने बेटे को लास्ट मोमेंट में तैयार करती हूँ। तो जो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं कि अपने पैंपर अंदर करते हैं, तो अब कहीं पे भी जाना हो तो पहले इनका बेबी पैक रेडी करना पड़ता है, जिसमें इनके पैंपर वाइप्स और फीडियो वगैरह रखनी पड़ती है, क्योंकि कोई पता नहीं होता बच्चे का अपना पैंपर गंदा कर दें और फिर इनका सारा ड्रेस भी खराब हो जाए। तो एक एक्स्ट्रा ड्रेस और पैंपर्स वगैरह मैं मस्ट कैरी करती हूँ अपने साथ। ये हम पहुंच चुके हैं उनके घर, और थैंकफुली उनका घर रोड के साथ था, तो इसलिए रास्ता मुश्किल नहीं था। अदरवाइज गांव में ये है कि घर रोड से काफ़ी दूर होते हैं, और जो रास्ते होते चलने वाले काफ़ी मुश्किल होते हैं, स्पेशली बच्चों के साथ। बच्चों को लेकर वहाँ से उतरना और जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो अब हम ये कि समझ जाके अपने गाँव में गुजारते हैं, और विंटर्स में फिर हम लोग इस्लामाबाद चले जाते हैं। इस्लामाबाद में बहुत गर्मी हो जाती है, और हम मरी के लोगों से तो वैसे ही गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो जैसे ही समर्स होते हैं तो इसलिए हम लोग मरी की तरफ भागते हैं, और जैसे सर्दी पड़ती है तो हम लोग वापस इस्लामाबाद की तरफ आ जाते हैं। और ये मेरा प्यारा सबूबू है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। खाना उन्हें हमें सर्व कर दिया, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी है और देखने में भी काफ़ी सारा कुछ यम्मी लग रहा है। मैंने खाना खा लिया और सारा कुछ काफ़ी मज़ेदार था। अब बारी है मीठे की, मीठे में फ्रूट क्रीम भी थी और खीर भी थी, तो मैंने डाली अपने लिए खीर पहले, क्योंकि मुझे खीर पसंद है एज़ कम्पेयर टू फ्रूट क्रीम। फ्रूट क्रीम भी पसंद है पर खीर की अपनी ही जगह। मेरी बेटी हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़े खड़ी है, उसने लिटरली कुछ भी नहीं खाया पूरी दावत पे। बच्चे के घर से बाहर जाके कुछ खाते ही नहीं है। अभी मैं खीर खा रही थी कि आंटी आके मेरे बाउल में और खीर डाल के चली। मेरे हस्बैंड अपने डायरेक्ट ड्यूटीज़ देते हुए हमारे बेबी को रैप कर रहे हैं, क्योंकि इसको सुनाना था, वो काफ़ी रो रहा था। तो जब ये मेरे सैलरी से संभाला जाता तो मैं अपने हस्बैंड को उसको दे देती। अब हमारे घर जाने का टाइम आ गया, और जो चांद था वो उस टाइम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये इनके घर के आगे का व्यू है थोड़ा सा, यहाँ पे मज़े के फूल लगे हुए थे, और यहाँ पे बैठने की जगह बाहर काफ़ी ठंड थी, तो इसलिए हम लोग तो बाहर नहीं बैठे, तो मेरी फैमिली मेम्बर जी के बाहर बैठे रहे। तो अब हमारी रुखसती का टाइम आ गया है अपने घर जाने का। रुखसती का मतलब अपने घर जाने का टाइम आ गया है, तो हम लोग अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हम औरतों की एक हैबिट है कि सारी बातें हमें घर से बाहर जाने के टाइम में याद आती है, तो एक गेट पे खड़े होकर भी काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है कि कोई ना कोई बात करने के लिए खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर, तो इसलिए हमें काफ़ी टाइम 15 to 20 मिनट्स तो लाफेज लाफेज करते हुए लग जाते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो डिनर दावत काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़ा आया, सब लोग बहुत वेलकमिंग थे। गाँव के लोग ऐसे इस्लामाबाद के लोगों से थोड़ा ज़्यादा वेलकमिंग होते हैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को भी बोले कि मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।